जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जोहार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड उत्पाद पुलिस का जो रनिंग होता है महिलाओं के लिए, वो 40 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग कैसे पूरा करें, इसका क्या आसान टैक्टिक्स है जिससे कि हम 5 किलोमीटर रनिंग को बहुत ही आसानी से 40 मिनट के अंदर पूरा कर लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने एक स्पेशल बैच चला रहे हैं जिस बैच का नाम है 1932 बैच, जिसमें आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों पेपर कराया जा रहा है। पेपर 2 में जो आपका है खोटा, कुड़वानी और हिंदी पेपर कराया जा रहा है। यह क्लास ऑनलाइन क्लास है। यह जो बैच है आपको हमारे एफकेके फिजिकल एकेडमी में मिल जाएगा, जो ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है। अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको 5 किलोमीटर रनिंग को 40 मिनट के अंदर कैसे पूरा करना है। 5 किलोमीटर रनिंग 40 मिनट के अंदर पूरा करने के लिए ये बहुत ही इजी रनिंग है। ये इजी तभी संभव है, ये इजी तभी है जब आप दौड़ोगे और सही तरीके से दौड़ोगे, तभी ये इजी आपको लगेगा। वरना आपका 40 मिनट तक या 4 घंटा भी आपके लिए कम पड़ जाएगा 5 किलोमीटर। तो आपका जो रनिंग होगा 5 किलोमीटर रनिंग आपका ग्राउंड में होगा। 5 किलोमीटर लड़कियों के लिए जो रनिंग होगा आपका ग्राउंड में होगा। देखिए, हम ग्राउंड जो आपका होगा 400 मीटर का ग्राउंड होता है, इसका जो राउंडिंग होता है ये आपका 400 मीटर होता है। इस तरह से आपका ग्राउंड होगा तो 400 मीटर एक राउंड में आपका होगा। तो उस हिसाब से आपको 12.5 राउंड मारना पड़ेगा। 12.5 राउंड लगाना पड़ेगा। तो उससे आपको क्या सही टैक्टिक्स लगाना है जो 5 किलोमीटर को 40 मिनट के अंदर पूरा करना है, इसका सही तरीका क्या है। यह रनिंग बहुत ही इजी रनिंग है। 5 किलोमीटर 40 मिनट में बहुत ही इजी रनिंग है, जगह अगर आप सही टैक्टिक्स अपनाओगे तो और सही तरीके से दौड़ोगे तो भी। तो देखिए, आपको क्या करना है उस टाइम, जैसे आपको रनिंग के लिए बोल देगा और आपको खड़ा करने के लिए बोलेगा कि खड़ा हो जाओ, इस तरह से मान लीजिए आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। आप इस तरह से खड़ा हो जाना है, इस तरह से खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको खड़ा कर दिया जाएगा। तो कोशिश करना है कि आप आगे वाला लाइन में इधर खड़ा हो जाए, कोशिश करना है कि आगे वाला लाइन में हो जाए चटके दिखा के और इस साइड में खड़ा हो जाए। जैसे आपको खड़ा होने के लिए बोलेगा चटके दिखा के खड़ा हो जाना है। उसके बाद जब आपको रेडी गो बोलेगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं जैसे रेडी गो बोल देता है पूरा बका जाते हैं और दौड़ने लगते हैं, जिससे कि आपका पूरा स्पीड पहले ही लगा देते हैं, जिससे कि आप थोड़ा देर दौड़ने के बाद हंसने लगते हैं और आप थक जाते हैं, जिसके कारण छोड़ देते हैं। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसा गलती करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, शुरू में ही जोर नहीं लगाना है। गाड़ी का जो गियर है ये गियर से शुरू करना है, लास्ट में 5 गियर तक लेके जाना है। तो आपको उस टाइम आपको ज्यादा स्पीड बकाना नहीं है और ज्यादा जोर भी नहीं लगाना है, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा करने के लिए बहुत टाइम है, इतना टाइम काफी है आपके लिए, जो अगर आपने ये टैक्टिक्स अपनाया तो। आपको क्या करना है, खड़ा जैसे आपको रेडी कर बोल दिया, आपको धीरे से रनिंग को शुरू करना है और कोशिश करना है कि आप ये वाला साइड पकड़े, ये वाला साइड, ये जो साइड साइड है ये वाला, जितना हो सके ये वाला साइड पकड़ने का कोशिश करें। क्योंकि ये जब आपका 400 मीटर जो होता है, 400 मीटर जो आपका होता है, 400 मीटर ये आपका इधर से होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में ये लाइन में आपका 400 मीटर, ना कि आपका ये लाइन में 400 मीटर होता है, ठीक है। ये लाइन में आपका 400 मीटर नहीं होता है, ये लाइन जो है ये आपका जो इसके बाहर जो है ये 400 मीटर का लाइन है, ठीक है। तो कोशिश करना है आपको इसी में दौड़ने का कोशिश करना है। अगर आप इधर दौड़ोगे तो एक चक्कर में
आपका 7 से 8 मीटर का अंतर पड़ जाएगा, एक चक्कर में 7 से 8 मीटर का अंतर पड़ जाएगा। तो आप सोच सकते हैं आपको कितना लगाना है, 12 चक्कर लगाना है, 12.5 चक्कर। तो 12 8 कितना होगा, मान लीजिए 12 चक्कर लगाना है, 12 8 96, 96 मीटर, मतलब आपका 100 मीटर का फर्क पड़ जाएगा। 100 मीटर यानी आपको 100 मीटर आपका कितना, लास्ट लैच में कितना लग जाएगा आपका, 20 सेकंड लग जाएगा, लगभग 20 सेकंड। तो 20 सेकंड बहुत होता है और 100 मीटर आपको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको इस लाइन में दौड़ना है, और इसलिए आपको इस लाइन में दौड़ना है जिससे कि आपका समय बचे। और उसके बाद क्या करना है, कोशिश करना है ज्यादा स्पीड नहीं दौड़ना है, आपको ग्रुप में दौड़ना है, एक साथ कदम से कदम मिला के दौड़ना है। जो बच्चे भागने वाले होते हैं उसको जाने देना है, ठीक है, जो बच्चे भागने वाले हैं उसको 2 चक्कर जाने के बाद जो थक जाते हैं उस तरह से आपको गलती नहीं करना है, आपको ग्रुप में दौड़ना है और एक स्टेप में दौड़ना है। आप अगर दौड़ते रहे, कहीं अगर रोके नहीं, एक बार भी नहीं रोके, तो आप 100% बता रहा हूँ आप पास हो जाओगे। एक बार भी आपको रोकना ही नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे दौड़ते रहना है, जितना ग्रुप पे दौड़ना है और कदम से कदम मिलाते दौड़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है, कहीं भी आपको रुकना नहीं है। ये आपका तभी संभव होगा जब आप ग्राउंड में मेहनत किए होंगे, पहले एक्सरसाइज किए होंगे, पीटी किए होंगे, वरना आप थोड़ा देर दौड़ोगे आपका पेट में दर्द होगा या फिर पैर में दर्द होगा, कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम तो सबको होता है, जो प्रैक्टिस करता है उसका भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो झेल लेता है, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। और अगर आपने ग्राउंड में अभी मेहनत नहीं किए होंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत होगा। तभी भी आपके पास समय है, अभी भी ग्राउंड में मेहनत कीजिए। कैसे करना है मेहनत, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। आज का वीडियो बस इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे दिल की गलत से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भारत।